नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं सफ़ेद बैंगन का चोखा। तो चलिए चलते बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये है हमारे सफेद वाले बैंगन, जिनको हमने अच्छी तरह से धो लिया है, साफ कर लिया है ताकि इनमें कोई डस्ट ना रहे। और अब हम चलते हैं इनको करेंगे कट, इनको काटेंगे। तो काटते समय हमें बहुत ही ध्यान से इनको काटना है। पहले इनके डंठल अलग करना है, इस तरीके से इसका जो ये डंठल है इसको अलग कर देना है। और फिर उसके बाद हमें ये देख लेना है इसमें अच्छी तरह से कि कुछ है तो नहीं। ये देखिए कुछ नहीं है, साफ है बैंगन। तो अब हमें इस तरीके से काट लेना है। हमें बस, क्योंकि बैंगन ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो हमें बस केवल दो भाग ही करना है। तो इसी तरीके से हमें सारे बैंगन कट कर लेना है, देखते हुए, चेक करते हुए कि साफ है, कुछ है तो नहीं, खराब तो नहीं है। तो इस तरीके से हमें सारे बैंगन काट लेना है। तो बैंगन हमारे कट चुके हैं, ये देखिए हमने बैंगन के दो दो पीस किए हुए हैं, क्योंकि सभी बैंगन हमारे छोटे छोटे से थे। तो इसलिए अगर आपके बड़े हैं तो आप चार पीस भी कर सकती हैं। और उसके बाद हमने लिया है एक बड़े साइज का प्याज, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। और ये लिए हैं दो टमाटर, और ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ, बनाते हैं सफेद बैंगन का चोखा। तो हमने गैस पे रख दी है कढ़ाई, और अब हम डालेंगे इसमें सरसों का ऑयल, क्योंकि सरसों के ऑयल में सब्जी जो है अच्छी बनती है। आप और भी किसी भी ऑयल में बना के देखना, और सरसों के ऑयल में बना के देखना, सब्जी जो है सरसों के ऑयल की ही ज्यादा टेस्टी बनती है। तो हमने ऑयल ऐड कर दिया है, और अब हम ऑयल गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें बैंगन, सभी बैंगन हमने कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे, और इनको सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे, गलने तक फ्राई करेंगे इनको। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, और इनको पलटते हुए चलाते हुए हमें सभी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक पीस को हम चेक करते हैं कि हमारे बैंगन गले हैं कि नहीं गले हैं। अभी हमें थोड़ा सा इनको और करना है। गैस को बंद कर देती हूँ और सभी बैंगन को बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि बैंगन हमारे जो है सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं, तो इनको हमें निकालना है। और हमें इनका जो ऑयल है वो काफ़ी अच्छे से जो है दबा के निकाल देना है, ऑयल नहीं आना चाहिए साथ में। तो सभी बैंगन को हम निकाल लेंगे। सभी बैंगन का अच्छे से हमने तेल जो है वो दबा दबा के निकाल दिया है, और बैंगन को हम ऐसे बर्तन में रखेंगे जिसमें कि हम अच्छे से मैश कर सकें, यानी कि थोड़े से बड़े बर्तन में रखना है हमें। और अब इसी कढ़ाई में हम गैस को ऑन करेंगे, और फिर से हम इसी कढ़ाई में अब इसमें बैंगन को फ्राई करेंगे, सॉरी टमाटर को फ्राई करेंगे। टमाटर को भी हमने फ्राई कर लिया है, और टमाटर को भी हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें कि हमने बैंगन को निकाला हुआ है। अब ये कढ़ाई का जो ऑयल है इसको हम निकाल लेते हैं, और कढ़ाई में हम छोड़ेंगे बहुत कम, केवल छोटी 2 चम्मच हमें ऑयल छोड़ना है इसमें, बाकी सारा ऑयल हम निकाल लेंगे, और फिर अदर चीज़ों में हम इसको यूज कर लेंगे आगे सब्जियों में। तो सारा ऑयल हमने बाहर निकाल लिया है, हमने मात्र इसमें 2 छोटी चम्मच ऑयल छोड़ा है। अब इसमें डालेंगे हम जीरा, जीरा
और ये डालेंगे जो प्याज हमने चॉप करके रखा हुआ है, इसको फ्राई करेंगे। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम इसको मैश कर लेंगे, बैंगन को और टमाटर को। आप चाहे तो हाथ से फोड़ लीजिए या फिर जैसे भी आपको सुविधा लगे, चाहे सिलबट्टे से कर लीजिए, कूट लीजिए, पीस लीजिए, और चाहे हाथ से और चाहे पोटैटो मैशर से, जैसे भी आपको सुविधा लगे इसको मैश कर लीजिए। थोड़ा सा प्याज हमारा जैसे थोड़ा सा फ्राई हो चुका था तो हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर दिया था और सभी को भून लिया था। और सभी हमारा लहसुन अदरक और का पेस्ट और प्याज सभी जो है भुन गया है अच्छे से। तो उसके बाद जो हमने मैश करके रखे हैं टमाटर और बैंगन, उनको ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। और थोड़ी सी लाल मिर्च करेंगे क्योंकि हरी मिर्च हमने डाली हुई है इसमें अदरक लहसुन वाले पेस्ट में। अच्छे से मिक्स करेंगे। एक छोटी चम्मच या आधी चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर डाल दें या फिर नींबू का रस डाल दें, एक चीज कोई भी जरूर ऐड करना है। 2 मिनट इसको मैं ढक के पका लेती हूँ एकदम लो फ्लेम पे। 2 मिनट हो गए हैं, हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको देखते हैं खोल के क्या हाल है। तो हमारा जो चोखा है बहुत ही अच्छी तरह से जो अब बन गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे जिससे हमारी सब्जी का टेस्ट और लुक दोनों ही और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमने कर दिया हरा धनिया ऐड। आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दीजिए, मैं नहीं कर रही हूँ। तो हमारा चोखा जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है, सर्व करने के लिए तैयार है। मैं इसमें इसको निकाल लेती हूँ सर्विंग बाउल में और सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो चलिए इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो बन चुका पूरी तरह से हमारा जो सफ़ेद बैंगन का चोखा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन दिया गया है, दबाना उसको ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में हमारी वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।